एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। 9 साल पुराना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 15 करोड़ हाउस टैक्स की वजह से विवादों में है। दरअसल अलीगढ़ नगर निगम का आरोप है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने पिछले 8 से 10 साल से हाउस टैक्स का भुगतान नहीं किया, जबकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय कह रहा है कि नगर निगम के सभी आरोप बेबुनियाद हैं और समय पर सारे टैक्स भरे जा रहे हैं। अलीगढ़ नगर निगम ने विश्वविद्यालय के खाते को सील करते हुए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। वहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस मामले में अदालत तक जाने की बात कह दी है। दोनों ही पक्ष की अलग अलग दलील है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों आमने सामने है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और नगर निगम, रिपोर्ट में देखिए। सौ साल पुराने और देश के टॉप विश्वविद्यालय में शुमार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ नगर निगम के बीच विवाद खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ प्रशासन टैक्स के बकाए को लेकर आमने सामने है। हालांकि इस मुद्दे पर दोनों ही पक्ष की अपनी अपनी दलील। नगर निगम का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने पिछले 10 साल से हाउस टैक्स का पैसा नहीं भरा है, तो वहीं एएमयू का कहना है कि नगर निगम विश्वविद्यालय पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। पैसों के भुगतान न होने को लेकर नगर निगम ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बैंक खाता सीज कर दिया है, तो वहीं इस पूरे विवाद को निपटाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब अदालत जाने की तैयारी में। अलीगढ़ नगर निगम का आरोप है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नगर निगम पर 15 करोड़ रुपए के करीब प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। निगम का कहना है कि बकाया तकरीबन 8 साल पहले का है। साल 2019 में भी यूनिवर्सिटी का खाता सीज किया गया था, लेकिन बावजूद इसके भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम का यह भी कहना है कि बकाए को लेकर नगर निगम ने कई बार विश्वविद्यालय को नोटिस भी भेजा था, बावजूद इसके पेमेंट नहीं किया गया, जिसके बाद निगम को कार्रवाई करनी पड़ी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पे अलीगढ़ नगर निगम का संपत्ति कर के मद में लगभग 14 करोड़ 83 लाख रुपए का बकाया था, और ये बकाया लगभग 8-10 वर्ष पहले का था। इसके लिए वर्ष 2019 में भी खाता सीज किया गया था और माननीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ तत्कालीन समय में बैठक भी थी। शासन को, जैसा कि उस बैठक में निर्णय हुआ, शासन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने इसको करमुक्त करने के लिए लिख के भेजा था, परंतु वहाँ से इनको कोई रिलीफ नहीं मिली और वसूली के आदेश प्राप्त हुए। नगर निगम का कहना है कि शुरुआती कार्रवाई में यूनिवर्सिटी का बैंक खाता सील किया गया है, लेकिन बावजूद इसके बकाया पेमेंट नहीं किए जाने पर अगले एक हफ्ते में कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। अलीगढ़ नगर निगम का अभिलेखों के अनुसार सबसे बड़ी धनराशि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर ही बकाया है, बाध्य होकर या कार्रवाई करनी पड़ेगी। का बकाया था सर, संपत्ति कर का बकाया था, प्रॉपर्टी टैक्स का ड्यूज है ये, और उसके लिए अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार आज खाता सीज किया गया है। इस बैंक में ये एएमयू की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में खाता सीज किया गया, और यदि एक सप्ताह में यह पेमेंट नहीं प्राप्त होता है तो उस खाते में जो भी धनराशि होगी उसे हम नगर निगम खाते में ट्रांसफर कराए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, और उसके उपरांत भी अगर मतलब धनराशि पर्याप्त नहीं होती है हमारे बकाए के, तो हम फिर अचल संपत्ति के डिस्ट्रेस वारंट और अटैचमेंट की कार्रवाई पर भी विचार कर सकते हैं। नगर निगम के मुताबिक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर हाउस टैक्स बकाया है, लेकिन इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी की दलील बिल्कुल अलग है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कहना है कि एएमयू पर किसी तरह का कोई बकाया नहीं है, क्लासरूम, लैब और लाइब्रेरी टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, और इसे लेकर यूनिवर्सिटी को छूट भी दी गई है। एएमयू का यह भी कहना है कि आवासीय परिसर पर टैक्स नगर निगम को दिया गया है, लेकिन क्लासरूम, लैब और लाइब्रेरी के टैक्स का ये विवाद कोर्ट में भी चल रहा है, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी एक बार फिर कोर्ट जाने को तैयार है। इस पूरे विवाद पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सफाई सामने आ गई है। एएमयू का कहना है कि न केवल नगर निगम संस्थान पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, बल्कि अलीगढ़ नगर निगम खुद कई साल से विश्वविद्यालय का पैसा दबाए हुए है। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।